और त्रिपुरा विधानसभा के भीतर भारी हंगामा हुआ है। बजट सत्र के पहले दिन स्पीकर ने 5 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड कर दिया, जिसके विरोध में विपक्षी विधायक सदन के भीतर हंगामा करने लगे। विपक्षी विधायक सदन में टेबल पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे विपक्षी विधायकों का सदन में जबरदस्त हंगामा। सदन में टेबल पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आपके हम दिखा रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। 5 विपक्षी विधायकों का निलंबन कर दिया गया और निलंबन के बाद ये विरोध और तेज हुआ। जरा देखिए किस तरह के हालात वहां पर बन गए। धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। ये तस्वीरें हैं त्रिपुरा विधानसभा के भीतर की। बजट सत्र का पहला दिन आज और बजट सत्र के पहले ही दिन स्पीकर ने 5 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। और इस सस्पेंशन के बाद, इस निलंबन के बाद विपक्षी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है विधानसभा के भीतर से? ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से देखिए टेबल पर चढ़कर ये प्रदर्शन हो रहा है, शुरू कैसे हुआ ये सब? देखिए, आज ये त्रिपुरा विधानसभा का आज बजट सत्र का पहला दिन था। पहले दिन की शुरुआत में जब विधायक यहाँ पर पहुंचे, हाउस में पहुंचे, उस समय कांग्रेस परिषदीय दल का नेता है सुदीप रॉय बर्मन, वो यहाँ पर गंगा जल छिड़कने लगा है। क्योंकि उनका वो ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी जो दूसरी बार यहाँ पे चुनाव जीत कर आई, तो इससे विधानसभा का गरिमा नष्ट हुआ है, इसीलिए वो पवित्र कर रहे थे गंगा जल छिड़क कर। इसी से बात आगे बढ़ी और जब इस जो मुख्य विरोधी दल है तीपरा माथा, आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं। इस वक्त सुदीप राय बर्मन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। बर्मन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के विधायकों को टेबल पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, एक विधायक जो पिछले विधानसभा सेशन में पकड़े गए, सारे देश देखा है कि वो पोर्नोग्राफी देख रहा था विधानसभा जब चल रहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अभी तक कोई कार्रवाई ना पार्टी की तरफ से, ना असेंबली सेक्रेटरी की तरफ से, या कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी तक उनके विरुद्ध नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में मुख्य विरोधी दल जो है त्रिपुरा माथा और कम्युनिस्ट पार्टी ने एडजर्नमेंट मोशन लाया था, तो वो मना कर दिया, चर्चा करने से इनकार कर दिया। तो इसको लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वेल पे जाके कि इसको सस्पेंड किया जाए, इस विधायक को सस्पेंड किया जाए। लेकिन कुछ एक निंदा प्रस्ताव भी पास नहीं हो पाया विधानसभा में इस घटना के विरुद्ध में। तो इसको लेके आज काफी नाराज थे विधायकगण, क्योंकि सारे देश में और खासतौर त्रिपुरा में जो वार्ता गया है कि कोई भी लोग कहीं पे भी ये पोर्नोग्राफी देख सकता है, तो इस ये तो अच्छा नहीं गया ना वो सोसाइटी के ऊपर। बिल्कुल, वो बात ठीक है। लेकिन बर्मन साहब, आपको लगता है कि सदन अपने आप में इतनी पवित्र जगह है, गंगा जल छिड़कने की आवश्यकता है वहां पे? हाँ, क्यों, गंगा जल पवित्र है, पवित्र और पवित्र चीज जो हुआ उसको लेकर अगर गंगा जल आप थोड़ा स्प्रिंकल करते हो तो इससे क्या बुराई है? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये आपकी राजनीति का हिस्सा है या फिर आप वाकई इस बात? नहीं, ये तो सुनिए, हिंदूवादी दल ये तो हम खुश होना चाहिए कि विधानसभा जो कि हमारे लिए मंदिर है, पीठ स्थान है, उस पे ऐसा गंदा कार्रवाई हो, अपवित्र बन जाए, तो गंगा जल अगर थोड़ा सा स्प्रिंकल करने से अगर ये पवित्रता वापस आता है तो इससे क्या बुराई है? बिल्कुल सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़कर बात रखने के लिए। तो ये हंगामा आज इस तरह से हुआ है और इसकी वजह पीछे की क्या थी वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। Z News.